बड़वानी जिला मुख्यालय पर लोकायुक्त द्वारा ट्रैप कार्यवाही करते हुए 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए दंपति को रंगे हाथों पकड़ा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार माँ वैष्णवी स्वयं सहायता समूह का संचालन पिंकी पवार द्वारा किया जाता है, जिसके तहत पिंकी पवार द्वारा स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान बड़वानी में प्रशिक्षणरत महिला एवं पुरुषों के भोजन हेतु कैंटीन संचालन किया जाता है, जिसमें प्रशिक्षणरत प्रशिक्षणार्थियों को भोजन प्रदान किया जाता है। पिंकी पवार द्वारा माह जुलाई 2024 से 20 अगस्त 2024 तक प्रदान किए गए भोजन की राशि के बिल का स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था में प्रस्तुत किए गए संस्था के निर्देशक सौजन्य जोशी द्वारा बिलों का भुगतान किए जाने के एवज में 48,000 रुपए के कमीशन की मांग की जा रही थी, जिसकी शिकायत आवेदिका द्वारा लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में की गई। शिकायत सत्यापन उपरांत आरोपी एवं आरोपी की पत्नी जागृति जोशी को आज दिनांक 23/9/2024 को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया गया है। वहीं आगे की कार्यवाही जारी है। सर, ये हमारे जो डायरेक्टर सर है सुजन जोशी, 2-3 बार मेरे को बोल गए थे पिंकी जी पैसे दे देना, पैसे दे देना। फिर इनने मेरे को एक रोज 8-9-10 बजे ऊपर बुला के रजिस्टर में बताया कि 2 कम 50,000 मतलब तुम मक दे जो। तो मैंने कहे कि सर मैंने 20,000 तो जुलाई में दे दिया मैडम का, अभी वो रिश्ता अभी हमारा पास नहीं है, अभी हम 10,000 दूंगा। तो सर मैडम आज सुबह आके उनकी बहन का खाता नंबर दे गई कि 24,000 ये खाते में डाल देना और बाकी के मेरे को दे देना। इस बात के से मांग रहे थे सर, जो अपने ये खाना बनाते हैं कि नहीं, वो मतलब अपना पास तो साइन होती सर, जितने कैंडिडेट खाते उतनी साइन होती, और उनके वहाँ भी जितने आते ऑफिस में उतना की साइन होती, फिर भी ये लोग पैसे मांग रहे हैं। और मैं खुद इनको 3 साल हो गए सर, 16 अगस्त से 14 साल लग गए, इनको खाना भी दे रहे हैं, इनका बर्तन भी साफ कर रहे सर। हम 3 महिला है समूह की, माँ वैसे परेशान करते थे सर, और 3-3 महीना तक बिल नहीं निकालते थे सर। सर यहाँ ट्रेनिंग में जितने मतलब अभी 32-34 की ट्रेनिंग चल रही, कभी मतलब अभी 32 तो मतलब मौजूद है, और शाम को 22-24 रुकते हैं, और कभी दूसरी ट्रेनिंग में कम भी आते सर। छोरा होने की ट्रेनिंग लगती है तो 10-12 भी आते, 20 भी आते, 25 भी आते, कभी डबल बैच चलती सर तो 70 भी आ जाते। सर किस तरीके की लोकायुक्त की कार्रवाई की गई? आवेदिका पिंकी पवार ने शिकायत की थी कि वह माँ वैष्णवी स्व सहायता समूह का संचालन करती है, जो बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संचालित ट्रेनिंग सेंटर में मेस का संचालन करती है। माह जुलाई से जुलाई अगस्त की बिल का भुगतान कर देने के एवज में निदेशक सौजन्य जोशी द्वारा एवं उनकी पत्नी जागृति जोशी द्वारा 48,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई थी। शिकायत का सत्यापन किया गया, शिकायत सही पाए जाने पर आज पुलिस अधीक्षक श्री डॉक्टर राजेश साय महोदय के नेतृत्व में ट्रेप दल का गठन किया गया एवं 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए जागृति जोशी एवं सौजन्य जोशी को रंगे हाथ उनके शासकीय आवास में पकड़ा गया। अभी जारी है 12-12:30-1 बजे के समय। ये मेस का बिल भुगतान करने के एवज में मांगा गया था। ये मेस का संचालन करती है, स्व सहायता समूह की मेंबर है ये पिंकी पवार, तो 2 महीने का बिल भुगतान करने के एवज में 48,000 रुपये इनका जो कमीशन बनता है उसकी डिमांड की गई थी, तो 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए आज इनको रंगे हाथ पकड़ा गया। यहाँ जो ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं प्रशिक्षणार्थी इस सेंटर के, उनके लिए सर, इनका मूल पद भी कुछ इनका मूल पद मैनेजर रैंक के है, ये यहाँ पर निदेशक हो जाते हैं, ट्रेनिंग सेंटर के निदेशक है। दिनेश चंद्र पटेल, DSP लोकायुक्त इंदौर। बड़वानी से जयप्रकाश सोलंकी की रिपोर्ट।